फ्रीडम विन। अमेरिका में सत्ता की जंग चुनाव के 2 महीने बाद भी थमती नहीं दिख रही। चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, जीत और हार भी तय हो चुकी है, फिर भी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक अपने नेता की हार मानने को तैयार नहीं है। वहां की संसद में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों और जो बाइडेन की जीत पर अंतिम मोहर लगनी भर बाकी है। लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक वहां की संसद के बाहर जमा हो गए और जोरदार हंगामा करने लगे। उन्होंने चुनाव के नतीजों में धांधली का राग अलापते हुए उसे रद्द करने की अपनी मांग फिर दोहराई। हाथों में ट्रंप के समर्थन वाले बैनर और तख्तियां लेकर बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारी संसद के कैंपस में घुस गए और वहां बने कई स्मारकों पर चढ़कर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में झंडे लहराने लगे। हंगामा बढ़ता देख ट्रंप को खुद अपने समर्थकों से शांति की अपील करने के लिए सामने आना पड़ा। We have to have peace. So go home. We love you. You're very special. लोगों की भीड़ और गुस्से को देखते हुए पुलिस ने भी मोर्चा संभालने में देर नहीं लगाई। विवाद बढ़ने की आशंका को देखते हुए संसद और उसके आसपास भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किया गया। इस पूरी घटना को जो बाइडेन ने विद्रोह करार दिया और इसे जल्द रोकने की अपील की। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों के हंगामे के बाद उनके सभी सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कर दिया गया। ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट पर रोक लगा दी है। सबसे पहले ट्विटर ने ट्रंप के अकाउंट को 12 घंटों के लिए बंद कर दिया। साथ ही ट्रंप के कई ट्वीट को भी ट्विटर ने हटा दिया। बताया गया कि ट्रंप का ट्वीट भड़काऊ था, जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई। यही नहीं, फेसबुक ने भी 24 घंटे के लिए ट्रंप की किसी भी पोस्ट पर रोक लगा दी है। इसका मतलब यह है कि ट्रंप अब 24 घंटों तक फेसबुक का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। साथ ही इंस्टाग्राम ने भी ट्रंप के अकाउंट पर एक दिन के लिए पाबंदी लगा दी। अमेरिका में चुनाव की बात से ही बवाल मचा हुआ है। आज अमेरिकी संसद में जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद पर मोहर लगनी थी, लेकिन उससे पहले ही उसमें खलल पड़ी। अमेरिकी संसद के बाहर सैकड़ों की संख्या में ट्रंप के समर्थक जमा हुए और जो बाइडेन की जीत का विरोध करने लगे। वहां भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती करनी पड़ी, लेकिन ट्रंप के समर्थक संसद भवन के अंदर तक घुस गए, जिसके बाद वहां चल रही कार्रवाई को रोकना पड़ा। वहां मौजूद सभी सांसदों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। CNN की खबर के मुताबिक संसद के अंदर गोली भी चली, जिससे एक महिला घायल हो गई। खबर है कि बाद में अस्पताल में उस महिला की मौत हो गई। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरीके से US संसद में बवाल हुआ, ये आप देख सकते हैं। ट्रंप समर्थकों ने वहां पर बवाल किया, पहले तो संसद भवन के बाहर, क्योंकि जो बाइडेन के नाम पर आज आखिरी मोहर लगनी थी संसद में। उससे पहले ही ट्रंप के समर्थक पहुंचते हैं और काफी तादाद में ये ट्रंप के समर्थक थे। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं, उसके बाद US संसद के अंदर गोली चली, जिसमें एक महिला की मौत भी हुई है। और जो ये तस्वीरें सामने आई अमेरिकी संसद से, इसने पूरी दुनिया को चौंकाया। इसके बाद जो वहां पर सांसद मौजूद थे संसद भवन में, आखिरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से उनको सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग